कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर गोल्डन गर्ल हिमा दास ने धमाल मचा दिया। धिंग एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हिमा शो में दुती चंद के साथ पहुंची। वहीं वीरेंद्र सहवाग दोनों धाविका का साथ देने के लिए शो में आए थे। केबीसी के कर्मवीर एपिसोड में अमिताभ बच्चन हर हफ्ते दर्शकों को किसी ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिसने देश के लिए कोई बड़ा योगदान दिया हो। इस हफ्ते केबीसी में हॉट सीट पर दुनिया में भारत का नाम रोशन कर चुकी एथलीट दुती चंद और हिमा दास पहुंची। शो के दौरान हिमा दास पर एक वीडियो दिखाया गया जिसमें असमिया सिंगर पापॉन ने हिमा के लिए बिहू गाना गाया। इसके साथ ही उन्होंने हिमा को अगले साल होने वाले ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं भी दी। पापॉन के अलावा उनकी माँ, बहन और दोस्तों के साथ उनके पड़ोसियों को भी दिखाया गया जिसमें सभी ने हिमा से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें बताई। साथ ही सभी ने हिमा का हौसला भी बढ़ाया। असम के नगांव में जन्मी हिमा दास को धिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 400 मीटर की दौड़ में 50.79 सेकंड का रिकॉर्ड जो बनाया है जो अभी तक कोई तोड़ नहीं सका है। ये रिकॉर्ड उन्होंने 2018 के एशियन गेम्स में बनाया था जिसे इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया गया था। हिमा IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला हैं। हिमा दास ने कुछ ही दिनों पहले इंटरनेशनल चैंपियनशिप में लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते थे। अब वो अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किए जाने वाले मशहूर कार्यक्रम में नजर आ रही हैं। कर्मवीर स्पेशल एपिसोड को लेकर हिमा दास ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से तस्वीर शेयर की थी जिसमें वो बिग बी, सहवाग और दुती चंद के साथ नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि हिमा दास और दुती चंद का नाम एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भी अनाउंस किया जा चुका है। अभी हाल ही में हिमा दास ने असम में बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हुए उनकी सहायता हेतु देश के लोगों को आगे आने का आह्वान भी किया था। आपको बता दें कि हिमा दास ने इस साल अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल 2 जुलाई को पोलैंड में आयोजित पोजनान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 200 मीटर रेस में जीता था। ये रेस उन्होंने 23.65 सेकंड में पूरी की थी। धिंग एक्सप्रेस ने अपना दूसरा गोल्ड मेडल 7 जुलाई को हुई पोलैंड में कुटनो एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर रेस को 23.97 सेकंड में पूरा करते हुए जीता था। हिमा ने अपना तीसरा मेडल 13 जुलाई को चेक रिपब्लिक में आयोजित क्लांडो मेमोरियल एथलेटिक मीट आयोजित रेस को 23.43 सेकंड में पूरा करते हुए जीता था। धिंग एक्सप्रेस ने अपना चौथा गोल्ड चेक रिपब्लिक में ही 17 जुलाई को आयोजित टैबोर एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर रेस को महज 23.25 सेकंड में पूरा करते हुए जीता। वहीं पांचवा गोल्ड मेडल चेक रिपब्लिक में आयोजित 400 मीटर रेस को 52.09 सेकंड में पूरा करते हुए जीता। हिमा ने अपना छठा गोल्ड मेडल चेक रिपब्लिक में 17 अगस्त को आयोजित 300 मीटर रेस में जीता था।